डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्यों फर्टिलाइज़र ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, मैन्योर क्यों नहीं कर पाता इतना, लेकिन मैन्योर बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, फर्टिलाइज़र क्यों नहीं होता, तो अब ये पढ़ेंगे। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है फर्टिलाइज़र। और मैन्योर, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको मैन्योर क्या होता है, जो गाय के गोबर हो गया या फिर गाय भैंस जो भी उनका कैटल डंग जो होते हैं उससे, और प्लांट रेसिड्यू चाहे पेड़ की पत्ती हो या फिर हमारा किचन वेस्ट हो, इन सबको सड़ाने के बाद, डिकम्पोजिशन करने के बाद मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। मैन्योर कैन भी प्रिपेयर इन द फील्ड, मैन्योर को कहीं पर भी कभी भी बना, आप अपने घर में भी मैन्योर बना सकते हो और फील्ड्स में भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र, लेकिन सॉइल को नहीं करता। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल को भी ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं क्योंकि प्लांट को इन्हीं न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो फर्टिलाइजर्स के अंदर होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन उन्हें डायरेक्टली मिल जाता है फर्टिलाइजर डालने, फॉस्फोरस और पोटेशियम, लेकिन मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लेकिन मैन्योर जो है वो लेस रिच होता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में। तभी हमने देखा था जो एक्सपेरिमेंट किया था 1.2 में तीन ग्लास लिए थे, तीनों में अलग अलग सॉइल के साथ, एक में यूरिया डाला था, एक में मैन्योर डाला था और एक में कुछ नहीं डाला था, जिसमें यूरिया डाला था वो सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे अच्छी ग्रोथ करा उस प्लांट ने, लेकिन जिसमें कुछ नहीं डाला था उसमें बहुत कम हुआ प्लांट का ग्रो, और जिसमें मैन्योर डाले थे उसमें हल्की सी कम ही पैदावार हुई थी, ठीक है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज जो मैन्योर है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, क्योंकि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये क्या करता है, जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा कर देता है सॉइल की। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, ठीक है, और ये सॉइल में पोरसनेस बना देता है उसके अंदर, मतलब जो छेद हैं सॉइल के वो अच्छे से खोल देता है, उसके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो होती रहती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जैसे अर्थवॉर्म हैं, जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं वो भी ग्रो कर देता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और मैन्योर जो सॉइल का टेक्सचर है, जो क्वालिटी सॉइल की ख़त्म हो चुकी है, न्यूट्रिएंट्स अगर ख़त्म हो चुके हैं और उसमें सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, तो मैन्योर डालने से वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ इरीगेशन, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी, हम सबको पता है पानी ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट हो उसका। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है, रूट्स के थ्रू होता है। वाटर अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सॉइल के अंदर अगर आपने फर्टिलाइजर डाला है तो वो भी एब्जॉर्ब होगा, साथ के साथ आपके मिनरल्स हैं और वाटर, ये तीनों चीज़ें ही एब्जॉर्ब होती हैं, रूट्स करती हैं सॉइल से। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट 90% वाटर लेते हैं। वाटर इज़ असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर कोई सीड को आपको उगाना है तो आपको उसमें सबसे अच्छे अमाउंट में पानी डालना चाहिए, तब डालेंगे तभी वो उगेगा। ड्राई कंडीशन मतलब अगर वहाँ पर सूखा बंजर है तो वहाँ पर कोई भी सीड नहीं उग सकता, जैसे राजस्थान, ठीक है, डेजर्ट एरिया में प्लांट देखे आपने, नहीं हो पाते अच्छी तरीके से। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू सच पार्ट, सॉरी टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर वो हर एक पार्ट में जाते हैं प्लांट के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फॉर फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है, जो पानी है ना वो भी बचा के रखता है पेड़ों को जो फ्रॉस्ट कीड़े वगैरह से, या फिर जो भी हॉट एयर गर्म हवा चलती है, लू चलती है उससे। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर आपको क्रॉप में अच्छी
सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना के रखना है, उसको सूखने नहीं देना है, तभी तो पेड़ नहीं सूखेगा। अगर सॉइल के अंदर से मिट्टी का के अंदर से पानी एकदम ही सूख जाएगा, पानी नहीं डालोगे क्रॉप्स में तो वो सूख जाएंगी क्रॉप्स, तो फिर कहाँ से होंगी क्रॉप। इसलिए आपको वाटर डालते रहना चाहिए लगा रेगुलरली अपने पेड़ों में, जब भी मिट्टी सूख रही हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। अगर हम पानी देते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल में, उसको क्या कहते हैं, इरीगेशन। इरीगेशन मतलब कहते हैं सिंचाई। देखो अगर जो फार्मर्स है वो इरीगेशन करते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो इरीगेशन करते हैं फार्मर्स वो डिपेंड करता है, जो पानी डालते हैं फार्मर्स वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर भी, सीजन के ऊपर भी और मिट्टी के ऊपर भी। कोई कोई क्रॉप्स में पानी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, जैसे कि हमारे राइस जब उगाते हैं, पैडी जब लगाते हैं, तो उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें पानी वाले एरिया में ज़्यादातर उगाया जाए, आसाम वेस्ट बंगाल की तरफ जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। सॉइल टू सॉइल, अब कहीं पर सॉइल में ज़्यादा पानी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कहीं पर नहीं होती है, ठीक है। सीज़न टू सीज़न, अब सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना रेनी सीज़न में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से पानी लगाया जाता है, जैसा मौसम होता है, जैसा सॉइल होती है, जैसे क्रॉप्स होते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, ठीक है। समर में, गर्मियों के मौसम में जो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाई इट इज़ सो, पानी क्यों ज़रूरत होती है, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्या इस वजह से पानी की ज़रूरत होती है कि जो इवेपोरेशन रेट है, जो आपने पढ़ा होगा कि जो लीव्स हैं वो भी इवेपोरेशन करती हैं, और जो सॉइल में जो वाटर होता है वो भी इवेपोरेट कर जाता है धूप की वजह से। तो क्या इसी वजह से पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में ज़्यादातर, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, अब इरीगेशन के कौन कौन सोर्सेज हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, टू वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ठीक है। ये तो हम सबको ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, अभी सोर्सेज ऑफ इरीगेशन पानी का कैसे सोर्सेज सिंचाई कर सकते हैं। गांव में देखो होगा वेल्स लगाते हैं, कुएं से पानी लगाते हैं, तो ट्यूबवेल्स होंगे, या फिर पॉन्ड से पानी लेते हैं, लेक से लेते हैं, रिवर्स, अगर डैम्स भी देखो कितने बड़े बड़े डैम्स बनाए गए ताकि कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर पानी आराम से जा सके, लोग वहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से तरीके से उगा सकें। कैनाल्स हैं, वहाँ से भी पानी मिलता है उन लोगों को।